Very good morning, children. This is part one video of chapter 12, class 10 science, electricity. So this is one of the chapter that will be coming in your half yearly examination, electricity. So far what I have taught you, it will come in your half yearly examination. So what do you mean by electricity? First of all, और इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं. एंड व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट है? सो वी ऑलरेडी नो अबाउट मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड आसान फॉर्म ऑफ जो आसान एक एनर्जी का एक फॉर्म होती है वो हीट ही होता है. अगर कहीं पर भी एनर्जी अगर वेस्ट होता है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट ओनली. और एकदम से कोई एनर्जी आती है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट ओनली. हो सकता है पहले वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाए, फिर बाद में वो हीट में कन्वर्ट होती है ना. नॉर्मली व्हेन देयर इज अ यू नो कॉलिजन बिटवीन टू कार्स और टू ट्रक्स और व्हाटएवर, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो, लेकिन जब वो काइनेटिक एनर्जी एकदम से होल्ट में आता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट एकदम से बढ़कर रुक जाती है, तो वो उसकी जो एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर है ना. वी हैव लर्न इन क्लास 9 हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. एंड द काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बिकम जीरो, एकदम से एनर्जी क्या हो गया? जीरो हो गया. लेकिन एनर्जी उसका जीरो हुआ, बट दैट एनर्जी विच इट कैरीड ऑलरेडी बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास टू वेलोसिटी. और एक ट्रक की बात करें, दो ट्रक का कोलिजन हुआ, सपोज एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी ट्रक जो हो सकता कि 80 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर आवर स्पीड में आ रहे थे दोनों, तो इट हैज थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम मास और इट हैज अ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी मीटर पर सेकेंड, सो देन यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी. एंड द काइनेटिक एनर्जी एकदम से जीरो कैसे हो सकता है? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, लेकिन ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो पेट्रोल में जो केमिकल एनर्जी है या डीजल में जो केमिकल एनर्जी है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय द इंजन. एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी गिव्स ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल. एंड नाउ द काइनेटिक एनर्जी सडनली वैनिश्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो देन वी कैन सी दैट यू नो जब ये बढ़ते हैं तो वहां पर आवाज आती है, और दूसरी बात हीट एनर्जी पैदा होता है, और अधिकतर चांस ये रहता है कि वो बर्न हो जाए दोनों व्हीकल, है ना, और उसका पूरा पार्ट्स इधर उधर बिखर जाता है. तब उसकी एनर्जी जो है वो पार्ट्स में यू नो बिखर जाती है उसकी एनर्जी, और पार्ट्स में भी चला जाता है और फ्रिक्शन में चला जाता है. एंड यू कैन सी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज देयर वेस्टेड, है ना. हालांकि एनर्जी वहां पे खत्म नहीं हुआ है, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड मेनी अदर फॉर्म्स. एंड व्हेन यू नो बर्न ए क्रैकर, तो व्हाट हैपेंस? उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो एकदम से हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है. सो दैट इज व्हाट नॉर्मली वी सी एन मोस्ट यू नो mostly seen energy for us is heat energy. But here we are talking about electrical energy, electricity, electric current. It is also actually a form of energy. Electricity is a form of energy actually. Just like heat, just like light is a form of energy. Electricity is a form of energy. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको बोल सकते हैं. और ये वजह किस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है? फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक के मास है और उसका वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी मतलब वो भाग रहा है, इट्स रनिंग. सो इफ इट इज रनिंग देन इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी एंड दैट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग अगेंस्ट इट.
और उसको उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क. सो वहां पर और उसका थोड़ फोड़ करने के लिए दूसरे जो गाड़ी आ रहे हैं उसकी शक्ल या उसका यू नो बॉडी डिसफिगर हो जाती है और खुद का भी डिसफिगर हो जाती है. और ये सब होने का कारण है कि द एनर्जी विच इट कैरीज. अगर एक खड़ी ट्रक की बात करें, उसके मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो उसका एनर्जी जीरो है एंड इट कैन नॉट यू नो डू अ वर्क ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट. खड़ी ट्रक क्या है, दूसरे के ऊपर जाके बिड़ नहीं सकता, बिकॉज दैट डस नॉट हैव अ वेलोसिटी, दैट डस नॉट हैव एनर्जी देन. मतलब इट हैज एनर्जी एंड इफ इट मूव्स ओनली देन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यू नो, या इफ इट कोलाइड्स विद समथिंग देन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू नो वन टू अनदर. व्हेन यू प्ले द यू नो व्हेन यू प्ले कैरम, so in the carrom board you have a striker and you have coins over there, and when you know play the striker, you strike the striker moves and then it hits one of the coin there, and when it hits then it gives its energy to that coin, the energy get transferred there. So when it if it moves then it has energy, and if it does not move then it does not have energy, and it cannot transfer the energy also. In the same way, when we talk about another form of energy, that is electrostatic energy, electrical energy, and the electrical energy तभी हम देखने में आते हैं, है ना, जैसे कि अगर कोई मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी देखने में आता है, तो इस काइनेटिक एनर्जी तो हम बोल सकते हैं कि where is kinetic energy, it does not exist. So I have already told you about matter and energy when I talked about the first chapter that we have learned in physics, that is light. क्योंकि इस दुनिया में दो ही चीज है, one is matter and another is energy. So energy आप किसी चीज का movement होता है तभी आप देख सकते हैं energy है, otherwise वो energy experience भी नहीं होती और हम ऐसा बोल सकते हैं energy does not exist, है ना, because energy is not like matter. You cannot perceive energy like matter. Matter is okay here. अगर मेरे हाथ में अगर एक डस्टर है, इट मींस दैट इट इज हियर, और आई हैव इफ आई कीप समवेयर समवेयर देन इट इज देयर. लेकिन एनर्जी यहां है वहां है ऐसा बोल नहीं सकता, है ना. जस्ट लाइक व्हेन समथिंग इज मूविंग देन इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इफ समथिंग इज नॉट मूविंग डस नॉट हैव एनर्जी एट ऑल, इट मींस इट डस नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी एट ऑल. सो वो काइनेटिक एनर्जी तभी दिखने में आते हैं, तभी एक्सिस्ट होती है जब वो कोई पार्टिकल का वेलोसिटी होता है और मास होता है. इन द सेम वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो ए डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी जो कि कुछ चीजों का मूवमेंट की वजह से एक्सिस्ट होती है, वो है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. सो व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल या चार्ज्ड पार्टिकल बोल सकते हैं, चाहे वो प्रोटोन हो या इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर then there comes an electric energy, जो हम ऐसा बोल सकते हैं it carries an electric energy. Okay, so electric current or electricity, when we are talking about, it is a form of energy which transit या which moves from one place to another when there is a motion of charged particles. As I told you about the kinetic energy, half mv square. The kinetic energy exists or it moves from one place to another if an object moves from one place to another. So, एक mass वाला object एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें एक kinetic energy exists होती है, और वो kinetic energy भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. In the same way, if there is a motion of charged particle, then the electrical energy moves from one place to another. So, when I say about electric current, electrical energy, there are two quantities that you have to know and that you have to learn, and those two quantities are electric current and potential difference. Potential difference. V and electric current I. ये इसके सिंबल्स हैं.
I or V, electric current I and potential difference V. And the question is, what do you mean by electric current? What do you mean by potential difference? उसके लिए भी मैं अभी आपको एक example देता हूँ, है ना? I have two tanks with me. I have a very big tank, cylindrical tank, overhead tank देखा होगा आपने, आपके घर के छत पे जो tank रखी है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ा सारा tank है, फिर मेरे पास उसी level में एक छोटा सा tank भी है, या height कम height वाला tank भी है, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? और वाटर एट ए हाइट हैज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये नाइन्थ क्लास में सीखा हुआ। वाटर एट ए हाइट हैज ए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी। एंड हियर आल्सो द सम हियर आल्सो वाटर इज देयर, है ना? हो सकता है मान लो ये भी बड़ा ही टैंक है, लेकिन इसमें वाटर थोड़ा कम कम है, लेवल कम है वाटर का, कम पानी है इसमें, ठीक है? बड़ा ही टैंक मान लो, लेकिन वाटर लेवल कम है। तो इसमें हाइट ऑफ द वाटर इज वेरी स्मॉल, सो यू इज इक्वल टू एम जी एच डैश। सो एच डैश जो है वो थोड़ा सा कम है, और मास ऑफ द पार्टिकल तो आप कितना मास बह रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, तो मास ऑफ द पार्टिकल आई नॉट स्पेसिफाई। लेकिन अगर मैं ये दोनों टैंक को अगर इंटरकनेक्ट करूंगा, ऐसे कनेक्ट कर लिया नीचे से, एक पाइप लाइन से मैंने कनेक्ट कर लिया, नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन, द वाटर इन द tank with higher height of water will move to this tank, tank number 2. So tank number 1 say tank number 2 ki taraf, tank number 1 say tank number 2 ki taraf kya hoga, water flow karegi. So when water flows, then something is moving, it has a mass, it has a velocity, so it has kinetic energy. So what is happening here, the potential energy is get converted into the काइनेटिक एनर्जी है। इन द सेम वे जब आप एक बैटरी की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, एक सेल की बात करते हैं, तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक सेल का एक नेगेटिव टर्मिनल है। सो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल, यू कैन सी ए पॉजिटिव टर्मिनल हियर, सो दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड सेल हैज ए negative terminal, and this is negative terminal and this one is a positive terminal. So cell has a negative positive terminal is there, and then what is happening is yahan par ek electrostatic, there are some ions accumulating over here, positive ions, and there are some electrons accumulated over here, negative. So yahan par agar aap isko bahar ki taraf connect karenge, aise कोई बल्ब के थ्रू कनेक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन आर मूव ट्राई टू मूव एंड गेट कैंसल द पॉजिटिव चार्जेस ओवर हियर, और ये बोलते हैं हम हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल इज हाई पोटेंशियल। सो इसी तरह जैसे यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लो पोटेंशियल एनर्जी, सो द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, एंड there is a motion of particles here, massive particles, and water has a mass, and then it moves, then it has kinetic energy. So what is happening is the potential energy is converted into kinetic energy, and that is a similar situation here. यहाँ पर जो electron जो है वो flow होके ये जो positive terminal में पहुँचते हैं, तो when the electrons are moving, then what is happening is there is a transfer of energy. सो एनर्जी अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे वाटर अलग चीज है, लेकिन वाटर जब मूव कर रहा है तो देन एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग वहां पर है, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंग है यू नो एनर्जी। व्हेन अ ट्रक इज मूविंग एक्चुअली, ट्रक हैज अ मास, ट्रक हैज अ वेलोसिटी, लेकिन देयर इज एन अब्स्ट्रैक्ट थिंग जो कि आप देख नहीं सकता, लेकिन वो चीज वहां पे एक्सिस्ट होती है, वो है उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विच कैन डू ए वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे यहां पर जब यू नो यहां पर अगर आप एक एक यू नो एक टर्बाइन को रखेंगे और उसको एक
डायनमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट करेंगे देन वाटर फ्लोज द टर्बाइन मूव्स, टर्बाइन रोटेट हो जाएगी एंड इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। या ये टर्बाइन को रोटेट कराने का एक वर्क करने का एक एनर्जी किसके अंदर है, इस फ्लोइंग वाटर के अंदर है। सो फ्लोइंग वाटर उसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट चीज ऑलरेडी जो आप देख नहीं सकता या जो आप मैटर जैसा समझ नहीं सकता है ना, जैसे मैंने आपको कहा एक भूत जैसा चीज, वट एवर इट इज, बट दैट अब्स्ट्रैक्ट थिंग इज देयर है ना। यू योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, आप दो वो दोनों ही माजी पी हैं, योर पेरेंट इज अ मैटर, यू आर मैटर। लेकिन आप बहुत दिन के बाद अपने पापा से मिल रहे हैं, अपने मम्मी से मिल रहे हैं, कहीं गए थे एंड यू फील लाइक यू मिस देम। तो जो फीलिंग आप और उनके बीच में है वो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है। योर फादर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर फादर एंड देर इज सम अब्स्ट्रैक्ट थिंग बिटवीन यू एंड योर फादर। There is a respect, there is a love, है ना? वो जो abstract चीज है वो आप दोनों वो कहां पर है बोलेगा तो visible नहीं है वो चीज, है ना? लेकिन वो चीज exist होती है। You have a feeling towards your parents, you love them, उनको कुछ भी हो जाए आपको दुख होता है, कोई बताने की जरूरत नहीं यार तुम रो, automatically दुख होता है। या उनको कोई अच्छा चीज मिलता है तो आपको बहुत खुशी होती है, बिकॉज दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग ओवर देयर। इन द सिमिलर वे व्हेन आई टॉक अबाउट मैटर, मैटर इज डिफरेंट एंड एनर्जी इज टोटली डिफरेंट, एनर्जी इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग देयर, है ना? इसी तरह यहां पर भी एक मैटर का फ्लो तो हो रहा है लेकिन यहां पर कुछ इनविजिबल चीज है जो कि उस मैटर में एक्सिस्ट हो रहा है एंड दैट इज लाइक यू नो यू आर मैटर एंड यू हैव अ लव फॉर योर पेरेंट्स। इन द सेम वे हियर इज मैटर विच इज फ्लोइंग बट दैट मैटर फ्लोइंग क्रिएट्स सम इनविजिबल थिंग विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इन द सेम वे हियर व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मैटर, व्हेन इट मूव्स थ्रू अ वायर देन इट क्रिएट्स व्हाट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So, पहले इसमें एनर्जी था, हाँ एक केमिकल एनर्जी था जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। सो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक हाई पोटेंशियल एनर्जी था, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक लो पोटेंशियल एनर्जी था, और यहां से इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होती है। सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, लेकिन जो एनर्जी है वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है, जैसे यहां पर हाई। सो वी टेक एनर्जी टू बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So, इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को हमेशा हम एनर्जी का मूवमेंट करते हैं। अब ये एनर्जी क्या है, बिकॉज एनर्जी इज नॉट मैटर, यू कैनॉट डिफाइन इट एंड यू कैनॉट डिफाइन योर लव टुवर्ड्स योर फादर दैट इट इज फ्लोइंग थ्रू द एयर टुवर्ड्स योर फादर, है ना? ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि दैट इज अट्रैक्टिंग, है ना? बस वो एक फीलिंग है जो आपका और आपके पेरेंट्स के बीच में है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकता कि आप यहां पे खड़े हैं, पेरेंट्स यहां पे खड़े हैं, यहां से कोई लव का रे है ना उधर जा रहा है, या रेस्पेक्ट का रे वहां पे जा रहा है, या रेस्पेक्ट हवा में ऐसे ऐसे बह रहा है। नो, बिकॉज दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग टोटली, बट दैट एक्सिस्ट। इन द सेम वे यहां पर आप ये नहीं बोल सकता कि एनर्जी यहां पे है वहां पे, बट वेन देर इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जीज, then we can easily define, easily say that there is some energy moving. और उसका सबूत क्या है, उसका सबूत ये है कि the light, which ये light का एक symbol है, okay? Bulb का symbol है. So अगर आप bulb का symbol बनाते हैं तो symbol के बारे में हम next video में देखेंगे anyway, detail में. So ये bulb का symbol है और ये bulb जलता है तो we can just put it like this. So ये bulb का symbol है, Edison bulb या कोई भी bulb. So bulb, a light producing instrument, या device, a light producing device जो है उसको आप एक battery से connect किया, positive terminal, negative terminal through connect किया है, तो charges will flow from negative to positive, but the electrical energy will flow from positive to negative. So current का flow हम दिखाएंगे थोड़ा सा उल्टा direction में, और ये battery और हर चीज का कोई symbol होती है। यहां पे बल्ब को अगर आप रियली कनेक्ट लिखेंगे तो सपोज द बल्ब इज लाइक दिस, सपोज, ठीक,
बल्ब को पूरी तरह लिखेंगे, मान लो पूरा डायग्राम के साथ ऐसा, दिस इज बल्ब। लेकिन इसका इसको सिंबलाइज करते हुए हम एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको सिंबलाइज करते हुए जो डायग्राम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सो दिस इज ए सेल या बैटरी, इसका सिंबल है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ा वाला स्टिक एंड द स्मॉलर वन इज नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ बल्ब विल ग्लो बिकॉज देयर इज ए करेंट, और करेंट को हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेंट को ऐसे डिनोट करेंगे। और ये करेंट है क्या, अगेन लेट्स कम टू द एग्जांपल दैट आई हैव टोल्ड यू, यू हैव ए बिगर टैंक विथ, यू हैव टू टैंक्स, वन फुल एंड वन हाफ, एंड इफ यू कनेक्ट विथ ए पाइप हियर then the water will flow from higher potential energy to a lower potential energy, yani so height kam hai to higher height kam hai to higher lower potential energy, height zyada hai to higher potential energy, so greater energy to lower energy level mein, yani potential energy mein ek flow hogi, aur wo flow mein kinetic energy ke roop mein yahan ki energy wahan transfer ho jati hai। Isi tarah yahan par greater energy se yahan pe smaller energy, to yahan par electron jis tarah flow hoga to ulte direction mein energy kya hoga, फ्लो होगी, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज बाय द बल्ब टू ग्लो टू गिव लाइट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हियर, एंड सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू व्हाट, लाइट हियर। और इसमें जितना ज्यादा एफिशिएंटली अगर आपको कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू गो फॉर एफिशिएंट बल्ब्स देयर, एफिशिएंट डिवाइसेस, है ना। तो डिवाइसेस कम ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम अभी डील नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक सिंबल हमने यहां पर दे दिया। अब यहां पर बात यह है कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, और वो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसी तरह यहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो डिफरेंस है इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होता तो यहां पर चार्जेस फ्लो नहीं होता, राइट। सो अगर पोटेंशियल सेम है, यहां पर अगर प्लस फाइव और यहां पर भी प्लस फाइव है तो पोटेंशियली सेम, लेकिन यहां प्लस फाइव और यहां पे माइनस फाइव तो उसमें टेन का डिफरेंस आ गया, सो पोटेंशियल इज डिफरेंट। सो पोटेंशियल अगर सेम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहां पर भी अगर प्लस फाइव है और यहां पर भी प्लस, नीचे भी अगर प्लस फाइव है और यहां पर भी प्लस फाइव है, तो देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ चार्जेस, नो फ्लो ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी फ्लो होना है, इलेक्ट्रिक करेंट वहां पर होना है, तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में। सो दो पॉइंट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फ्लो होना है, सो वो दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। एक में अगर प्लस टेन है तो एक में माइनस टेन, है ना, इस तरह कम ज्यादा होना जरूरी है, तभी वहां पर चार्जेस फ्लो होंगे। जैसे कि यहां पर अगर अगर एनर्जी लेवल सेम है तो इट विल नेवर फ्लो, कनेक्ट करने से कोई फायदा ही नहीं है, वाटर यहां से वहां नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर वाटर जरूर यहां से वहां जाएगा, उसका रीजन ये है कि देयर इज ए डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। इन द सेम वे एक बैटरी की बात करें, बैटरी को इस तरह बनाया जाता है कि उसके अंदर ऐसे केमिकल डाला जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ऊपर एक हाई पोटेंशियल को क्रिएट करे और नीचे एक लो पोटेंशियल को क्रिएट करे। आज आपके घर में भी दो तार आता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिना तो घर चल ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो दो तार आता है उसमें एक तार जो है जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं, दैट इज ए हाई पोटेंशियल, और दूसरा तार जो है उसको न्यूट्रल बोलते हैं, दैट इज ए लो पोटेंशियल। सो वहां पर भी अगर एक ही तार है तो करंट विल नॉट फ्लो, बिकॉज देयर मस्ट बी ए हाई पोटेंशियल एंड ए लो पोटेंशियल, ये रिक्वायर्ड है। सो इसी तरह यहां पर भी दो पोलैरिटी है, अगर दोनों ही हाई है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दोनों ही लो है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और एक नेगेटिव लो पोटेंशियल। सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन होता करंट, ठीक है। सो सबसे पहले हमने ये समझा कि वी क्या होता है,
V क्या होता है? It is a requirement of what? Flow of electronic charges, electric charges. Electric charges अगर move होना है, there must be a potential difference. Water move होना है, there must be a potential energy difference. In the same way, if the electrons must move, then there must be a charges must move. Charges को move कराने के लिए potential, electrostatic potential energy का difference होना चाहिए. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का दो पॉइंट का बीच का डिफरेंस है, उसी को हम वी बोलते हैं. और इसीलिए ये एनर्जी होने के नाते हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी या वर्क. एनर्जी और वर्क सेम चीज है. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. The work required to move one charge, unit test charge, from one point to another is a potential difference between that two points. है ना? जबकि आप ये वाला point की बात कर रहे हैं, मान लो ये point A है, ये point B है, है ना? So A से B की तरफ charges को भगाने के लिए, है ना? Especially unit test charge, because आप ये dividing by Q, क्योंकि बहुत सारा charges, Q is representing charge, okay? Q is a symbol of charge. So, बहुत सारा charges को आप लेके जा सकते हैं, लेकिन unit test charge को लेके जाने के लिए कितना work करना पड़ेगा, वो उसका potential difference है. So, ये battery जो है, ये 1.5 volt का potential difference है. और potential difference का जो unit है, और unit को हम बोलते हैं volt. है ना, ये वोल्टा करके एक scientist का नाम है, जिसमें से volt उनके honor में डाला गया. एंड देन वट इज इलेक्ट्रिक करंट. सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहां पर भी है ना एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा एक यू नो कंसेप्ट है. वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का तो डिफरेंस है, लेकिन यहां पर क्या है, एक और क्वालिटी है विच इज कॉल्ड फ्लो. कितना एक सेकेंड में कितनी पानी बह रहा है, एंड दैट इज अ सिमिलर कंसेप्ट हियर. एक सेकेंड में कितनी चार्जेस फ्लो है, तो हमें पता है कि अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो ज्यादा तेज पानी फ्लो होगी. अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट या ना थोड़ा सा ही फर्क है ना, ये इतना हाइट में है और ये थोड़ा सा कम हाइट में, बस तो इसमें बस इतनी सी फर्क है, ये थोड़ा सा ज्यादा हाइट में, ये थोड़ा सा कम हाइट में. तो उस टाइम पे अगर आप ये हमें फ्लो को देखेंगे ना, अगर आप नापेंगे इसका फ्लो को, कितनी पानी कितना तेजी से बह रहा है, धीरे धीरे बह रहा है. अना बारिश के टाइम पर भी आपने देखा होगा, अगर हैवी बारिश हो रहा है तो बहुत अना फास्ट फ्लो वाटर होता है. अगर धीरे धीरे बारिश है तो धीरे धीरे पानी बहेगा, क्योंकि पानी का हाइट इतना बड़ा नहीं है. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फ्लो होगी, जितना कम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा उतना कम फ्लो होगा. सो यहां पर दूसरा जो पैरामीटर है इलेक्ट्रिसिटी को नापने का, वो है इलेक्ट्रिक करेंट, मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. एक सेकेंड में कितनी चार्जेस फ्लो है, उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे. सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. और ये चार्ज को नापने का यूनिट है कूलम. ठीक है, तो सबका यूनिट आपको बाहर करना, ये सब चीज पहली बार सीख रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाहर दिस, है ना, चार्ज को नापने का यूनिट है कॉलम. और कॉलम को सी लिखते हैं और सी अपॉन सेकेंड, तो चार कॉलम पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं एम्पियर. सो द नेक्स्ट यूनिट दैट यू हैव टू लर्न हियर इज एम्पियर. करंट का यूनिट है कॉलम पर सेकेंड और इसको हम बोलते हैं एम्पियर. ये भी मिस्टर एम्पियर ना, एम्पियर का सर्क्यूट लो, इस तरह एम्पियर का बहुत सारा लोज है ना. कॉलम भी किसी साइंटिस्ट का नाम है, कॉलम्स फोर्स, कॉलम्स लो, ये सब फिजिक्स में पढ़ने के लिए हायर क्लासेस में है. तो कॉलम चार्ज का यूनिट है और एम्पियर करंट का यूनिट है, एंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है. सो जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एक बैटरी की बात करके हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कि एक सेल है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, नीचे कुछ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो रहा है. सो यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल है और यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल. सो हियर इज ए नेगेटिव पोटेंशियल एट ए एंड हियर इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल एट बी. सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव इफ दे गेट ए पाथ. उनको एक रास्ता चाहिए,
एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इजाजत देने वाला कोई पाथ चाहिए, दैट इज अ कंडक्टर। सो ये कंडक्टर के थ्रू अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे और अगर एक बल्ब के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यू विल इवन एक्सपीरियंस दैट वेदर द चार्ज इज मूविंग और नॉट, क्योंकि जब चार्ज मूव होता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव होती है, जो एनर्जी उस बल्ब को ना काम करने के लिए हेल्प करते हैं, मींस द एनर्जी इज कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इन द बल्ब, लेकिन 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बहुत यानी एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, एंड हो सकता है वो एनर्जी को वेस्ट भी कर रहा हो, व्हाटएवर इट इज एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, एंड दिस इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सो जब व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर then the electrical energy is in transit, means electrical energy is moving from one place to another, and electrical energy is helping some device to work, then you can always go for two parameters, one is electric current, another is potential difference, because if there is a potential difference, potential electrostatic potential difference, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है तो चार्जेस विल फ्लो, और चार्जेस का सिंबल है क्यू, और चार्जेस को नापने का यूनिट है कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, है ना, या 10^-6 कॉलम, माइनस की पावर 10^-, या प्लस की 10^-, वट एवर, है ना, उतना कॉलम चार्ज फ्लो है। सो अगर 1 कॉलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो है, देन द करेंट इन द सर्क्यूट टू बी नोन एज 1 एम्पियर, है ना, 1 कॉलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, देन द करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर करंट एंड इट इज अ डेफिनेशन ऑफ करंट, चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और हमें पता है अगर चार्जेस का फ्लो अगर ज्यादा तेजी से होगी, इसका मतलब 1 सेकंड में ज्यादा, मतलब 1 सेकंड में मान लो 10 कॉलम चार्ज फ्लो हो रहा है, देन 10 एम्पियर इज अ करंट, और 1 सेकंड में अगर 1 कॉलम चार्ज फ्लो हो रहा है, देन 1 एम्पियर इज अ करंट, है ना। अलग अलग पावर रेटिंग वाले डिवाइसेस जो अलग अलग करंट को यूज करते हैं, खास करके आपके घर पे जो एसी है वो 25 एम्पियर करंट पे चलने वाला है, हा? तो 25 एम्पियर करंट पे चलता है, और आपके जो बल्ब्स वगैरह है वो 1 एम्पियर करंट भी नहीं चाहिए उसके लिए, तो डिफरेंट डिवाइसेस टेक यूज ऑफ डिफरेंट करंट, है ना, और उसके लिए फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी वैसे ही देखना पड़ेगा, है ना। सो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा तो फिर आपके एसी नहीं चलेगा, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेबलाइज करने के लिए एक स्टेबलाइजर भी रख देते हैं हायर पावर रेटिंग डिवाइस में, क्योंकि उसमें एक रिक्वायर्ड यू नो करंट होती है, और उतना करंट उसमें नहीं जाएगा तो वो काम नहीं कराएगा। सो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन ए प्रॉपर करंट। सो एनीवे बाकी सब डिटेल्स में हम नेक्स्ट पार्ट टू वीडियो में जाएंगे। सो पार्ट 1 वीडियो में इतना ही, वी dealt with 2 parameters, one is electric current, means how much flow is there, and the first thing is why there is flow, that is due to the energy difference between the 2 points, aur isko symbolize karne ke liye hum is tarah ek symbol laga sakte hain। So next video mein jaane se pehle ना, आप लोगों को जब आप इस पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आपकी बुक में एक पेज में हो सकता है नए बुक में कुछ अलग पेज नंबर 203 और मे बी सम अदर पेज नंबर, देयर इज सिंपल सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्क्यूट डायग्राम्स करके दे रखा है। सो कॉमनली यूज्ड सिंबल्स और उसके डायग्राम, सर्क्यूट डायग्राम दे रखा है। सो दिस यू हैव टू लर्न, आई कैन एक्सप्लेन यू, एक सेल का तो सिंबल ये है, इलेक्ट्रिक सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट इज दिस, और एक से ज्यादा सेल है, बैटरी है, तो उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह 3 सेल को एक साथ ज्वाइन कर लिया आपने, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और हियर यू हैव ए स्विच, आप स्विच का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे एक स्विच यूज कर सकते हैं, और ये ओपन स्विच है, ओपन का मतलब है कि अभी ये कनेक्टेड नहीं है, ऑन नहीं है, और अगर ऑन है स्विच देन ये क्लोज स्विच बनेगी, एंड देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, बल्ब का सिंबल ये है, और रेसिस्टर,
सो ये आपके ऑलरेडी बुक में दे रखा है, ये बुक में से आपको लिखना पड़ेगा। रेसिस्टर का सिंबल है ये, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस एंड वेरिएबल रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस वगैरह क्या है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में लेंगे। और एमीटर और वोल्टमीटर, तो ये सिंबल आप जरूर लिख लीजिएगा। और ये उल्टा पॉजिटिव इधर नेगेटिव उधर भी हो सकता है, इट्स अप टू द डायग्राम, डायग्राम में कैसा है वैसा ही होगा। सो ये सब सिंबल्स जो ऑलरेडी आपके बुक में है इसको आपको कॉपी में उतारना है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स एंड ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ पढ़ने के बाद ये जो सिंबल है इन सब सिंबलों का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा।